मंजिल मिले चाहे ना मिले, लेकिन सफर हसीन होना चाहिए। तो भाई लोगों, आज एक नए दिन, नई वीडियो और एक नए सफर पे हम निकल चुके हैं। और आज हम करने वाले हैं नाइट कैंपिंग, वो भी हमारे इस थार के साथ। तो बेसिकली आज मैं और भूपेंद्र निकल चुके हैं शहर से काफी दूर एक जंगल के अंदर, जहाँ पे हम इस थार के ऊपर थार के साथ करने वाले हैं काफी अच्छा बढ़िया वाला नाइट कैंपिंग। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगी और आप हमारे साथ काफी सारे एडवेंचर्स को भी देखने का मौका मिलेगा। तो देरी किस बात की, चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। Welcome, sir. Let's start the journey. Engine starting. Warning, warning, warning. Moving at high speed of 110 kilometers per hour. Approaching speed cam at a high speed. Turn left. Going towards jungle. Sir, anything you wanted to say? तो गाइस, नाइट कैंपिंग वो भी सर्दी के अंदर, बाप रे बाप। सोचना आसान है बट करना काफी मुश्किल। वैसे तो हमने सारी चीजों का बंदोबस्त करके रखा है बट फिर भी जंगल के अंदर काफी ज्यादा जंगली जानवरों का अपने को डर है और इस चीज का अपने को पता नहीं है कि रात को टेम्परेचर भाई कितना जाने वाला है। काफी सर्दी हो सकती है, तो लेट्स सी यार। भाई प्यार किया तो डरना क्या, so sweet. सही कहा। तो चलो, डर के आगे जीत है, चलते हैं। We are just 2 kilometers away from the jungle. Now here we go off road. We are cruising at high speed in jungle. वाह यार, रास्ता जोरदार ही है। तो भाई लोगों, फाइनली बीहड़ में पहुंच चुके हैं और अब हमें ना लोकेशन ढूंढनी होगी जहां पे हम हमारी गाड़ी को लगा सके और यहां पे हम नाइट कैंप करेंगे। तो भूपेंद्र, लोकेशन देखो दादा, लोकेशन सबसे बेस्ट लोकेशन देखेंगे इधर। देखो गाइस, किस तरीके से पूरा बीहड़ है और सामने हमारे पास एकदम माउंटेन व्यू है और अभी राइट नाउ सनसेट हो रहा है, आपको उस तरफ दिखेगा। वो देखो, वो रहा। This mountain is a part of Aravalli Hills. अरे मुझे भी कुछ बोलने दोगे या सब तुम ही बताओगे? Okay sir, you speak. तो guys, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो पर्वत श्रृंखला है ये अरावली हिल्स का भाग है और ये जो बीहड़ है ये काफी घने जंगल के अंदर है। बिना थार के यहाँ पे आना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो भाई लोगों, फाइनली हमें लोकेशन मिल चुकी है और हमने हमारी थार को यहाँ पे खड़ा कर दिया है। एक बार देखो यार, थार कितनी प्यारी लग रही है, देखो गाइस। और जो व्यू है ना सामने का, वो भी बहुत ही ऑसम है। तो भाई लोग, अभी काम करते हैं, फटाक से टेंट वेंट निकालते हैं और यहाँ पे सेटअप करते हैं। और सनसेट देखो यार कितना प्यारा लग रहा है। मैंने ड्रोन निकाल लिया, मैं ड्रोन से आपको सनसेट का नजारा दिखाता हूँ। तो भाई लोगों, फाइनली सनसेट हो चुका है, अब एक काम करते हैं, फटाक से टेंट निकालते हैं। तो भाई लोगों, फाइनली पूरा का पूरा हमने कैंप सेट कर लिया है, हमारा ये टेंट यहाँ पे लगा दिया, गाड़ी इधर लगा दी, ये टॉर्च है और हमने कुछ खाने पीने का सामान यहाँ पे लेके आ गए हैं। तो भाई लोग, अभी कुछ ही देर के अंदर ना काफी ज्यादा अंधेरा हो जाएगा, तो अभी हमें क्या करना होगा, लकड़ियाँ इकट्ठा करनी होगी जिससे हम आग का बंदोबस्त कर सकें। तो चलो लकड़ियाँ इकट्ठी करके लेके आते हैं। हो गया बस, बहुत सारी लकड़ियाँ। तो भाई लोगों, सर्दी लग रही है, लकड़ियाँ हमने इकट्ठी कर ली, अब चाय बनाते हैं। तो भाई लोगों, अभी हमने यहाँ पे है ना पूरा सेटअप तैयार कर लिया है। ये हमारे पास स्टैंड है, इस पे हम भगोनी वगोनी रख के आराम से अभी चाय बनाएंगे। तो मैं जाके है ना सामान लेके आता हूँ।
कितना डालू? जाने दे जाने दे। तो भाई लोगों पूरा का पूरा जुगाड़ लेके हम घूम रहे हैं, सारा दूध वूध मसाले वसाले चाय पत्ती सब कुछ हमने इसी में रख रखा है। कुछ इस तरीके से हमने पैकेट बना रखे हैं, इन पैकेटों के अंदर शक्कर चाय पत्ती वो सब है। मैं लगा दिया तक। नाइट में जो जंगल में अपन करते हैं ना यार, इसका एक्सपीरियंस ही अलग रहता है, इसका मजा ही अलग रहता है। लो और कचरे को वापस थैली उसी में डाल दे। तो भाई भाई लोग हमारा दूध उपड़ गया, पोपट गया पोपट। तो भाई लोग दूध उबल के गर्म हो चुका है बहुत जोरदार वाला। अब अपन एक काम करते हैं, हम ले लेते हैं दूध और भूपेंद्र को चाय बनाने देते हैं। चल छान पी रहा हूँ मैं, अच्छा रहना। चाय का कलर देखो चेंज हो गया भाई, गाढ़ी बनाएगा ये गाढ़ी चाय मसालेदार। मसाले तो है ही नहीं इसमें। चाय। तो भाई लोगों फाइनली हमने चाय पी ली है और अभी हमारा बॉन फायर यहाँ पे चल रहा है और ये हमारा तंबूरा और वो हमारी थार रही। थार थोड़ी दिख नहीं रही है यार, कहाँ गई थार। तो अभी हम यहाँ पे बैठे हैं और काफ़ी मस्त सा फील ले रहे हैं। यहाँ पे आने का एक अलग ही फील है। तो अपन ने पूरा कैंपिंग वाला सेटअप तो कर ही रखा है, तो एक काम करते भूपेंद्र नम आवाज़ के अंदर थोड़ा सा म्यूज़िक भी सुने ना, मज़ा आ जाएगा। ले जा गाड़ी में जाके चालू कर दें। वाह यार कितनी मस्त लग रही है गाड़ी। वाह यार आजा 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 आय हाय 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 हाय। गाइस हमने है ना गाने बजा दिए एकदम हल्के हल्के से आवाज के अंदर, एकदम नम आवाज के अंदर, और हम अब इंजॉय करते हैं इस पल को, इस मोमेंट को। क्यों भूपेंद्र? बिल्कुल शांति सुख सुख शांति चीची पीपी से दूर, कैंपिंग करने का यही तो फायदा है भाई। गाना बहुत प्यारा है यार। शांत रहे एकदम। ऑसम यार वाइब आ रही है पूरी की पूरी। सच में गाइस ये मोमेंट काफ़ी ज़्यादा स्पेशल था। मैं और भूपेंद्र दोनों ने बाहर बैठ के काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करा, काफ़ी सारे गाने सुने, और ये सब सुनने के बाद मैंने टेंट को साफ़ करके उसके अंदर बिस्तर भी लगा दिए, और इतना सब कुछ करने के बाद हम दोनों के पेट में चूहे दौड़ने लगे, तो उनकी भूख मिटाने के लिए हमने मैगी बनाने का फ़ैसला करा। तो भाई लोग खुशबू आने लग गई है। तो भाई लोग मैगी बन गई। वीरेंद्र आजा मैगी बन गई भाई। गाइस इस सुनसान जंगल के अंदर हम दो जीव खाने वाले हैं मैगी चने। वैसे हम प्लेट व्लेट सब कुछ लाए हैं, मैगी हमारी बन के तैयार हो चुकी है, बट हम सोच रहे हैं कौन फालतू में यार प्लेटें व्लेटें धोएगा, तो डायरेक्ट इसी में खा लेते हैं। तो अभी कढ़ाई में खाने का ही सीन है। चलो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, लगो भाई। मसाला खतरनाक यूज करा यार, एक नंबर चीज है, मजा आ गया। मजा आ गया भाई। हालत देखो एक बार कढ़ाई की, सब चाट कर गए। अब इसको सुबह धोएंगे, अभी तो धोने की हालत नहीं है भाई, हाथ ठहर जाएंगे।
चलो 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 अंदर आ जा, सर्दी भी तेज हो गई है और इस आग को बुझा दे। आसमान देखो पूरा का पूरा काला और तारे निकले हुए, वो रे हमारे चंदू मामा। तो अब एक काम करते हैं, सोने चलते, टेंट में चलते, टेंट में मिलके बात करते हैं आपसे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो भाई लोगों अंदर आ चुके हैं, बाहर तेज हवा चल रही है, इसको बंद कर देते हैं वरना हवा अंदर आके हमें ठंडी से मार देगी। टावर की तो दिक्कत नहीं है गाइस, अच्छा खासा टावर आ रहे हैं और टाइम भी देख लो 9:44 हो रहा है, तो सही टाइम रहते सो जाते हैं। भाई लोगों इसको देखो, ये थड़ 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 करने लग गया है यार, पबजी चालू कर लिया इसने तो। अबे यार अभी तो हवाई जहाज ही नहीं आई मेरी। तो भाई लोगों काफ़ी गेम वेम खेल लिया, ये भाई साहब तो सो गए और अब मुझे भी नींद आ रही है, तो मिलते हैं आपको सुबह, क्योंकि हमें आपको सुबह ना सनराइज़ दिखाना है, तो जल्दी से सो जाते हैं। बाय बाय बाय। हे यो गाइस गुड मॉर्निंग। तो भाई लोगों सुबह हो चुकी है और काफ़ी तेज सर्दी है। मैं आपको तंबू के हाल बताऊँ ना, तो इस पर ना ओस जम चुकी है। तो चलो गाइस मैं अब थोड़ा आपको इस भीड़ के अंदर घुमा देता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक आपको सिर्फ ये दड़े टाइप का भीड़ ही भीड़ देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको लकड़ियों की कमी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, काफ़ी सारी सूखी लकड़ियाँ देखो आपको ऐसे ही गिरी पड़ी मिल जाएंगी। और एक चीज़ और, आप कभी भी इन जंगलों के अंदर आओ ना तो सेफ्टी इक्विपमेंट्स बिल्कुल लेके आना, वो सारी चीज़ें। और देखो ये जो बीहड़ है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मेरे को पता है ये सेफ है बीहड़, बट फिर भी यहाँ पे आपको कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। देखो गाइस देख रहे हो, यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये देखो भाई, ये है जानवरों का पूरा कंकाल। और यहाँ पे पूरी जगह आप जहाँ पे देख रहे हो ये सफ़ेद 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 ये हड्डियाँ हैं। तो भाई बीहड़ों में आ रहे हो ना तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो, बाकी यहाँ का जो नज़ारा है ना वो औसम है। ऐसा नज़ारा आपको किसी भी सिटी व्यू में तो नहीं मिलेगा, इसके लिए तो आपको है ना जंगल के अंदर ही आना पड़ेगा। वो जो थार है इसकी मदद से हम पूरा जंगल के अंदर इन बीहड़ों के अंदर आए हैं और यहाँ से हम कैंप कर रहे हैं। बाकी एक बार थार को देखो यार कितनी जोरदार लग रही है। अब एक काम करते हैं, हम इन सब चीज़ों को पैक करते हैं, वो मैगी खाई थी उसमें, तो इन सब चीज़ों को पैक करते हैं और थार के अंदर लोड करते हैं। तो गाइस हम पैक कर रहे हैं, हमने टेंट को तो खाली कर दिया, अब ये थोड़ा बहुत और है इनको भी करते हैं। टेंट में जाएगा, टेंट में जाएगा, टेंट में जाएगा। फुल मार फुल मार फुल मार। अब सर्दी से गर्मी हो चुकी है गाइस, काम करने लग गए ना काफ़ी उठ के, और धूप 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 उधर आ चुकी है। देखो सूरज चच्चू उधर आ गए और चांद मामा बैठ गए चले गए। तो चलो ये टेंट और बचा है इसको भी पैक करते हैं। तो भाई लोगों फाइनली टेंट भी पैक कर दिया, एक काम करते हैं अब इसे भी रखते हैं और चलते हैं यहाँ से। चलो बाकी अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपको और ऐसे ऐसे नए नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आते तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम वहाँ पर जाके कैंप ज़रूर करेंगे। बाकी तब तक के लिए अलविदा, हम अब यहाँ से टाटा बाय बाय कर। Yeah.